हेलो फ्रेंड्स, तो मैं दोस्त जेकी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं S23 एंड S23 FE के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये है S23 और S23 अभी कुछ ही दिनों में फ्लिपकार्ट पर जो सेल स्टार्ट होने वाला है उस पर सिर्फ 45,000 में अवेलेबल होने वाला है। एंड S23 FE जो है वो आपको फ्लिपकार्ट के सेल पर मिलेगा तकरीबन 34,000 के आसपास। तो इस प्राइस पॉइंट पर ये दोनों भी चीज कंप्लीट वर्थ इट है। तो 2024 में जो एंड्रॉइड डिवाइसेस में सबसे बड़ा मेजर चेंजेस रहा वो था AI का, और सारे ही डिवाइस में भी AI मिल चुका है। तो उसी सेम तरीके से इन दोनों डिवाइस में भी आपको AI मिल चुका है S23 एंड S23 FE में। तो वो सारे ऑप्शन मिल चुके हैं जो कि आपको S24 अल्ट्रा में मिलते हैं, मतलब कि सर्च, सर्कल टू सर्च और जनरेटिव AI, सारे ही ऑप्शन जो कि आपको S24 अल्ट्रा में मिलते थे वो भी आपको इसमें भी मिलेंगे। एंड उसके साथ काफी छोटी सी साइज है तो काफी हैंडी से डिवाइसेस है एंड यूज करने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और जो प्राइस पॉइंट है उस प्राइस पॉइंट पर आपको ए सीरीज में 35 या फिर 55 मिलता है। तो उसमें आपको AI के फीचर्स भी नहीं मिलते। जो प्रीमियम क्वालिटी फील होती है वो सिर्फ एस सीरीज में है, एस सीरीज में उतनी ज्यादा प्रीमियम क्वालिटी फील नहीं होती। ये अगर सेल में आता है तो सैमसंग के A35 या फिर A55 से अच्छा है कि आप ये वाला परचेस करें, और या तो फिर S23 FE परचेस कर ले क्योंकि वो 34,000 में आने वाला है। तो 34,000 में आपको सैमसंग का A35 मिलता है तो उससे अच्छा है कि आप S23 FE परचेस कर ले। और एस सीरीज के प्रीमियम फोन्स है तो आपको कैमरा रिजल्ट में या फिर किसी भी चीज में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज करना नहीं पड़ेगा। हाँ, तो बैटरी थोड़ी सी कम होगी S23 में, लेकिन S23 FE परचेस करते हैं तो उसमें बैटरी का भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। मतलब कि इसमें थोड़ी सी कम चलती है, आप रूटीन फोन में अगर प्राइमरी डिवाइस यूज करते हैं एंड आपका स्क्रीन ऑन टाइम अप्रोक्स 8 to 9 hours है तो उतना ज्यादा लास्ट नहीं करता ये, 2-3 घंटे पहले ये बंद हो जाएगा बैटरी लोगों के। तो ये चीज वैसे परफॉर्मेंस वाइज देखो तो कम्प्लीटली वर्थ इट है, लेकिन अगर आप बैटरी बैकअप के लिए जा रहे हैं तो गो फॉर S23 FE। तो मेरे हिसाब से ये दोनों ही डिवाइसेस इस प्राइस पॉइंट पर कम्प्लीटली वर्थ इट है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर देना, मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं ऐसे किसी नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, हैव अ नाइस डे।